अल्लाह, जब सांस लो में हो जाए जारी। अल्लाह 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 बनाऊंगा अपने नफ्स सरकश को अब तो या रब गुलाम तेरा, मैं छोड़ कर कारोबार सारे करूंगा हर वक्त काम तेरा, किया करूंगा बस अब इलाही मैं जिक्र सुबह और शाम तेरा, जमाऊंगा दिल में याद तेरी रटूंगा हर वक्त नाम तेरा। अल्लाह 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 हर दम करूंगा ए मेरे बारी। अल्लाह 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 मैं ए खुदा दम भरूंगा तेरा, मैं ए खुदा दम भरूंगा तेरा, बदन में जब तक ये जा रहेगी पढ़ूंगा हर वक्त तेरा कलमा, दहन में जब तक जुबा रहेगी कोई रहेगा न जिक्र लब पर, तेरी ही बस दास्ता रहेगी न शिकवे दोस्ता रहेगा न गीबते दुश्मना रहेगी। अल्लाह 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 हर दम करूंगा ए मेरे बारी। अल्लाह 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 दिन रात गफलतों में अबस यूं ही जिंदगी गुजारी, रहा मैं दिन रात गफलतों में अबस यूं ही जिंदगी गुजारी, किया न कुछ काम आखरत का कटी गुनाहों में उम्र सारी, बहुत दिनों मैंने सरकशी की मगर है अब सख्त शर्म सारी, मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी। अल्लाह 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 हर दम करूंगा ए मेरे बारी। अल्लाह 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 मैं दीन लूंगा, मैं दीन लूंगा, न लूंगा मैं जीना हारे दुनिया, इसे मैं खूबाज मा चुका हूँ, बहुत है बेतबार दुनिया, लगाऊंगा दिल न इससे हरगिज, ये चार दिन की है यार दुनिया, ये चार दिन की है यार दुनिया। अल्लाह 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 हर दम करूंगा ए मेरे बारी। अल्लाह 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 बुतान दिल पर तो सैकड़ों है मगर कोई बावफा नहीं है, वुदूद और लाइक़े मोहब्बत फ़कत है तू दूसरा नहीं है, कोई तेरे जिक्र के बराबर मज़े की शै खुदा नहीं है, मज़े की चीज़ें है वो हजारों किसी में ऐसा मज़ा नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाहु अल्लाह हरदम करूँगा ये मेरे बारी अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह जब सांस लूँ मैं हो जाए जारी अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وقال تعالى إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب وقال تعالى وما يتذكر إلا من ينيب وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. बहुत मोहब्बत और इकराम के लायक मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह ताला इस वक्त ऐसी बात कहने की तौफीक अता फरमाए जिससे हम सब की दीनी तरक्की हो और दीनी एतबार से जो कमियां हमारे अंदर हैं
उन कमियों को हम दूर कर सकें और अल्लाह सुबहानहु व तआला को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजार सकें। हर मोमिन की तमन्ना असल यही होनी चाहिए कि अल्लाह सुबहानहु व तआला राज़ी हो जाए, उनको मनाना और उनको खुश करना यही इस ज़िंदगी का मकसद है, इसलिए कि वही असल मोहब्बत करने के लायक, सब कुछ उन्हीं का एहसान है और उनके मौजूदा एहसानात भी बेशुमार हैं और हमको उनसे जो कुछ मांगना है और जो कुछ चाहिए वो तो बहुत ही गैर मामूली है। और सबसे ज़्यादा ये छोटी सी और आर्जी और मुख्तसर सी इस ज़िंदगी के बहुत टेम्परेरी मरहले के गुज़रने के बाद जो हमारी असल ज़िंदगी आने वाली है, जो हमारा असल ठिकाना, असल मंजिल और असल मकसूद है, वहाँ तो अल्लाह मियाँ को जो मना कर चला गया, जो अल्लाह मियाँ को खुश करके चला गया और जो जिसका दिल, जिसके आमाल, जिसकी सीरत, जिसका किरदार, जिसके दिल के जज्बे और ईमान अल्लाह ताला को पसंद आ गए, उसके लिए उस हमेशा की ज़िंदगी और हमारी उस मंजिल में वो इनामात हैं जिनका किसी ने न नाम सुना, न किसी ने देखा और न किसी के दिल में ख्वाब व ख्याल में भी उसका तसव्वुर आया, वो वहाँ अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अल्लाह सुबहानहु व तआला के जितने रसूल आए और आखिर में अल्लाह ने अपना सबसे बड़ा रसूल, सबसे कामिल रसूल सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उनके साथ अपनी आखिरी किताब भेजी, उन सब ने आकर यही सिखाया और यही तालीम छोड़ी कि हमारा असल मकसूद और असल मंजिल आखिरत की मंजिल है। एक बुज़ुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हम असल में तो जन्नत में पैदा किए गए थे, और ये बिल्कुल सही बात है, असल में तो अल्लाह ताला ने हमको जन्नत में पैदा किया था, हमारा असल वतन और असल घर तो वही है, कुछ दिनों के लिए भेज दिए गए हैं यहाँ पर और लौट कर हमें वहीं जाना है, तो असल घर तो वो है, वहीं से आए हैं और इंशाअल्लाह वहीं जाना है, उसके लिए तैयारी करनी है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जितने दिन के लिए भी भेजा है इसमें अल्लाह सुबहानहु व तआला ने यह वादा फरमाया है कि हम तुमको परखेंगे ज़रूर, इम्तिहान ज़रूर लेंगे, बग़ैर इम्तिहान और टेस्ट के हम तुमको कामयाब करार नहीं देंगे, जिस तरह इस साल हाई स्कूल वालों को करार दे दिया गया, खूब बहुत से नंबर लिए सब घूम रहे हैं और खुश हो रहे हैं जबकि सबको मालूम है झूठे नंबर हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ के यहाँ झूठ नहीं चलेगा, अल्लाह मियाँ के यहाँ ये वाला इम्तिहान नहीं होगा और न ये वाला रिज़ल्ट है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ज़ुल्म का इल्ज़ाम अपने ज़िम्मे नहीं ले सकते, वो किसी को जहन्नम में भेज दें और किसी को जन्नत में भेज दें और बहुत इनामात अता फरमाएँ और कोई कहने वाला ये कहे कि आपने जिसको जन्नत में भेज दिया उसने कौन सा इम्तिहान दिया था और वो उसमें कामयाब हुआ, ऐसा नहीं होने वाला। अल्लाह ने ये तय कर दिया है हर इंसान को अल्लाह ताला परखेगा ज़रूर। वला नबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वनबलु अखबारकुम, हम तुम में से हर एक को ज़रूर परखेंगे
यहाँ तक कि हम जान जाएं और सामने आ जाए खुलकर कि कौन है सच्चा और कौन है झूठा, परखा ज़रूर जाएगा। और इस बात को अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान मजीद में दसियों मरतबा फरमाया है। कोई एक इंसान भी अल्लाह के हुजूर में बग़ैर इस मंजिल से गुज़रा हुआ कि उसकी परख हो जाए, और जिस तरीके से सोने को कसौटी पर रगड़ के सुनार परख लेता है, इधर डाल देता है असली सोना और इधर फेंक देता है नकली सोना, उसी तरीके से एक एक इंसान का ज़िंदगी में अल्लाह ताला बार बार इम्तिहान लेगा। बात बिल्कुल सामने आ जाएगी खुलकर कि कौन है वाकई अल्लाह का वफ़ादार, अल्लाह मियाँ के राज़ी होने के लायक, और कौन है झूठा और मक्कार और अल्लाह सुबहानहू व ताला के यहाँ झूठे दावे करने वाला। एक एक को परखा जाएगा। أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا। क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि ज़बान से कह देंगे कि हम मुसलमान हैं और बस रिजल्ट कार्ड मिल जाएगा? क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि ज़बान से कह देंगे कि हम ईमान ले आए और जान छूट जाएगी और जहन्नम से बच जाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि होगा ये कि इस दुनिया में परखा जाएगा और कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जिनका बहुत जी चाहेगा, और उन चीज़ों को करना पड़ेगा जिसको करने में जहमत होगी, दिल मचलेगा, और उस शख्स का ज़्यादा पर उस शख्स को अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजारने में ज़्यादा परेशानी होगी, अहकाम पर अमल करने में ज़्यादा परेशानी होगी उस शख्स को जो इस रास्ते को आसान करना नहीं सीखेगा। बहुत अहम बात है ये, बहुत अहम बात है, इसको ज़रा गौर करके सुन लीजिए। बग़ैर इम्तिहान के कोई आदमी इस दुनिया से नहीं जा पाएगा। ऐसे ही जिस तरीके से इम्तिहान हाल तो इम्तिहान के लिए होता है, किसी इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम या किसी कॉलेज में एग्ज़ाम तय हो जाए, तारीख का ऐलान हो जाए, पर्चे बन जाएं, हॉल तय हो जाए, वक्त मुकर्रर हो जाए, तालिब इल्म स्टूडेंट उस हॉल में चला जाए, पेपर तकसीम हो जाए, और वो ये सोचे कि अब इम्तिहान ना हो और मैं बग़ैर जवाब दिए और इम्तिहान के बग़ैर पास हो जाऊँ तो ये नहीं होने वाला। ऐसे ही जब कोई शख्स इस दुनिया में पैदा हो गया तो वो ये ना सोचे कि बग़ैर इम्तिहान के जन्नत में पहुँच जाऊँगा। अब दो रास्ते हैं हमारे सामने, या तीन रास्ते हैं, अब हमारे सामने तीन रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम फेल हो जाएं, हम इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए जो करना है वो ना करें और माज़ अल्लाह अल्लाह अपनी पनाह में रखे, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक अंजाम है। जो लोग फेल हो जाएंगे उनके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है। हम सब ने खूब सुना है क्या क्या है, कब्र का अज़ाब क्या है, जहन्नम का अज़ाब क्या है। जिस तरह जन्नत में वो कुछ है जो किसी ने नहीं सोचा, इसी तरह जहन्नम का अज़ाब भी वो कुछ है जो किसी ने नहीं सोचा। हम सब जानते हैं, सुनते भी हैं और कहते भी हैं कि जहन्नम में आग होगी, मगर जहन्नमी कहेंगे काश जहन्नम में सिर्फ आग होती, काश जहन्नम में सिर्फ आग होती, और जहन्नमी कहेंगे कि काश जहन्नम की आग वही आग होती जो हमने आपने जानी है, जिससे कभी कभी हमारा वास्ता भी पड़ा होगा, कोई कभी जला होगा, कोई कभी जला होगा, और पता होगा कि आग क्या होती है। अल्लाह रहम फरमाए, हम में से जो भी जला है उसका आग से वास्ता तो सेकंड के लिए पड़ा है, बस लगी आग और हाथ हटा लिया और उसके बाद फिर जलन हुई और आबला पड़ा।
लेकिन वो सेकंड या सेकंड का भी छोटा सा हिस्सा जिसमें हम प्रेस से या तवे से या किसी आग की चीज़ से टच हुए थे, वो सेकंड का भी छोटा सा जो हिस्सा था, ज़रा सोचिए वो क्या क्या होता है वो हिस्सा, और जिसको उसी आग में डाल दिया जाए। लेकिन वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह का अज़ाब इससे भी बहुत शदीद है। वो आग ये वाली आग नहीं होगी। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आग जलाई और 100 साल तक अल्लाह ताला उसको गर्म करते गए, दहकाते गए, यहाँ तक कि वो पीली हो गई। फिर उसके बाद अल्लाह ताला 100 साल तक उसको और गर्म करते गए, गर्म करते गए, दहकाते गए, यहाँ तक कि वो लाल हो गई। फिर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने उसकी गर्मी में 100 साल तक और इजाफा फरमाया, उसको तपाते रहे, तपाते रहे, यहाँ तक कि वो काली हो गई। फिर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने 100 साल तक उसको और गर्म फरमाया, यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई। ये जहन्नम की आग हुई, दुनिया वाली आग नहीं है। दुनिया वाली आग तो पीली होती है। अल्लाह ताला महफूज रखे। तो फेल होना तो कोई इम्कान ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। जो फेल हो गया, जो इस इम्तिहान में नाकाम हो गया, अल्लाह को नाराज़ करके चला गया, उसके लिए तो बड़ा ख़तरनाक अज़ाब है। दूसरा इम्कान ये है कि हम इस इम्तिहान में को दें, लेकिन बहुत मुश्किल के साथ, इसमें हम बड़ी परेशानियों से गुज़रें, बहुत मुश्किल हो अल्लाह के हुक्मों पर चलना, बड़ी मुश्किल से ज़ोर लगा के, दिल पे जबर करके किसी तरह चलने की कोशिश करें, कभी गुनाह हो जाए, कभी हुक्म टूट जाए, कुछ अहकाम पर अमल हो और कुछ पर अमल ना हो पाए, हम अपने दिल से कह दें भाई हमारे बस का नहीं। फजर की नमाज वक्त पर पढ़ना हमारे बस का नहीं है। आंखों को गुनाह से बचा लेना ये हमारे बस का नहीं। कैसे बचाएं? घर में टीवी रखा हुआ है, हाथ में मोबाइल है, बाजार में नंगी उड़ियां वजूद घूम रहे हैं, हर तरफ गिलाजत है, हम आंख को कैसे हराम से बचाएं? हमारे बस का नहीं है। हम शादी ब्याह में कोई नाजायज काम ना करें, अरे हमारे बस का नहीं। बीवी नहीं मानती, बहन नहीं मानती, हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में हम कैसे शादी ब्याह में भी अल्लाह के हुक्म पर चलें? हम कारोबार में गुनाह कैसे ना करें, हलाल तरीके पर पूरा कारोबार करें? हमारे बस का नहीं, पूरा मार्केट हराम पर चल रहा है, हम कैसे चलें? ये कमज़ोरों का तरीक़ा है। कोशिश तो करते हैं, ईमान है, कोशिश तो करते हैं, मगर ऐसे जैसे कि किसी छोटे से मामूली से बैल के ऊपर मनों का बोझ लाद दिया जाए, उसके मुंह में से झाग भी निकल रहे हैं, हाँप भी रहा है, जबान भी बाहर को लटकी हुई है, किसी तरह बेचारा खींच रहा है, कभी गिर पड़ता है, कभी सामान छूट जाता है, कभी कुछ होता है, ये खींच रहा है किसी तरीके से। एक रास्ता ये भी है, और कम से कम कुफ्र करने वालों से और मुतलक अल्लाह को नाराज़ करने वालों से बहुत बेहतर है ये ईमान वाला, अगरचे हालत उसकी बड़ी काबिल रहम है। मैंने मिसाल दी, जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी बैल या भैंसे के ऊपर बेतहाशा बोझ लाद दिया जाता है ठेले पर, वो बेचारा खींचता है तो मुँह से झाग निकल रहे होते हैं, हाँप रहा होता है, बुरा हाल होता है, लेकिन खींच रहा है किसी तरीके से। हम में से अक्सर मुसलमानों का हाल इसी तरह दीन पर चलने वालों का है। कदम कदम पर हम कहते हैं ये वाला हुक्म तो हमसे नहीं हो रहा भाई। कुछ अमल हो भी जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह काफिर नहीं है, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से माफ़ी भी मांगते हैं, कुछ नमाज़ें भी पढ़ लेते हैं, अगरचे बहुत ख़राब नमाज़ें होती हैं लेकिन बहरहाल पढ़ लेते हैं, और बहुत से हराम कामों से बच जाते हैं, शराब नहीं पीते, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई शराब नहीं पीता, कितना बड़ा गुनाह है, हम सब बच जाते हैं। लेकिन बहुत से गुनाह ऐसे हैं कि उसमें हमारा हाल उसी बेचारे भैंसे या बैल का सा है, हाँप रहे हैं किसी तरीके से, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो पाता। एक दूसरा रास्ता भी है,
इसके अलावा एक और रास्ता ये है और वो सच्चे ईमान वालों का है, वो ये है कि वो ठीक से सारे गुनाहों को छोड़कर और गुनाहों वाले कल्चर को छोड़कर, गुनाहों वाले माहौल को छोड़कर अपनी एक अच्छी अलग दुनिया बसा लें जिसमें अंदर भी सलाह ही हो, नेकी ही हो, अल्लाह की मोहब्बत ही हो, पाकीज़गी ही हो, पाकी ही हो, सफाई ही हो, और बाहर भी उन्होंने अपनी दुनिया को अच्छा बना रखा हो और बहुत सहूलत के साथ अल्लाह ताला उनके साथ ये इनाम फरमाए कि दीन के हुक्मों को उनके लिए आसान फरमा दे। बताओ भाई कैसा एहसान है किसी शख्स पर कि अल्लाह मियाँ उसके लिए दीन के हुक्मों को आसान फरमा दे। दीन पर चलना मज़ेदार बना दे, अल्लाह के हुक्मों पर चलने में उसको उस तरह मज़ा आने लगे जिस तरह गुनाह करने वालों को गुनाह में नहीं आता, सहूलत के साथ सारे अहकाम अंजाम पाने लगे। अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज का, सहूलत के साथ फजर में उठ जाए, बोझ खत्म हो जाए। हैं अल्लाह, बाज़ अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि उनके लिए फजर के लिए उठना कयामत का बोझ है, और बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि उनके लिए तहज्जुद में न उठना एक अजाब है। अगर उनसे कह दिया जाए तुमको तहज्जुद नहीं पढ़ने को मिलेगी, तुमको जिक्र नहीं करने को मिलेगा, तो उनको ऐसे लगेगा जैसे कोई बहुत लजीज चीज़ छीन ली गई। बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं अल्लाह ताला ने उनके लिए फजर की नमाज जमात से पढ़ना बहुत आसान कर दिया है। जिस दौर में अक्सर लोग ये कहते हैं मौलाना साहब शादी में कैसे फजूल खर्ची से बचें, कैसे सादी शादी करें, कैसे हराम चीज़ों से बचें, उसी दौर में कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि बड़ी सहूलत के साथ हल्की फुल्की ऐसे शादी करते हैं कि मालूम भी नहीं होता कोई काम बड़ा हुआ है। हमने बाज़ लोगों को देखा, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, ख़ानदान वालों से को इत्तला कर दी फलां मस्जिद में असर की नमाज में निकाह है, निकाह हो गया। अब निकाह के बाद लोगों ने कहा चाय वाय तो कम से कम पिला दीजिए, कभी चाय का इंतज़ाम भी नहीं है, तशरीफ़ ले जाएं, शादी हो गई, लड़की को रुख्सत कर दिया। उनकी लड़की उन जैसे हज़ारों लड़कों से ज़्यादा, लड़कियों से ज़्यादा खुश है जिनको पूरी अजाब नुमा शादी करके रुख्सत किया गया था, अल्लाह ने बरकत अता फरमाई। एक आलिम ने कहा कि मैंने अपनी बेटियों की और बेटों की शादी की और इतनी सहूलत से की कि मेरा एक दिन का कैलूला और जहर के बाद का सोना भी नहीं छूटा। और हम लोगों के यहाँ जब शादी, आम लोगों के यहाँ जब शादी होती है तो मालूम होता है कोई फ़िरकावाराना फसाद हो गया है। एक कम से कम 40 दिन से तो नींद भी गायब, न खाने का होश, न आराम, सर मालूम होता है किसी ने जेल में कैद बामशक्क़त दे दी है। ये शादी है अजाब है, जिस शादी में महीनों की नींद उड़ जाए, लाखों रुपए खर्च हो जाए, कर्ज हो जाए, आराम ख़त्म हो जाए, नमाज़ें छूट जाएं, मामूलात छूट जाएं, थके हुए हैं, ये शादी थोड़ी हो रही है जैसे किसी ने मजदूरी में लगा दिया कि सुबह से शाम तक ईंटें ढो। इसको लोग समझते हैं हमारे यहाँ बड़ी, मौलाना साहब हमारे यहाँ तकरीब है, खुशी का मौका है, तशरीफ़ लाइए, ये खुशी है? आपको 40 दिन के लिए बंद हुआ मजदूर बना दिया गया है, आप कह रहे हैं ये खुशी है? तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैंने तो ये बात इसलिए अर्ज़ की कि अल्लाह ताला दीन को लोगों के लिए लजीज और आसान बना देता है। तो एक तीसरा रास्ता ये है कि हम अपने लिए अल्लाह पर के हुक्मों पर चलने को बिल्कुल सहल बना लें, पूरी ज़िंदगी सहूलत के साथ, तबीयत की आमादगी के साथ अल्लाह के राज़ी करने वाले कामों में को अंजाम दें, वक्त आने पर अल्लाह की रज़ा के साथ दुनिया से रुख्सत हो जाएं, और इसी दुनिया से फरिश्ते इज़्ज़त के साथ, जुलूस के साथ, इकराम के साथ लेकर जाएं और अल्लाह सुबहानहु व तआला के यहाँ नूर के मिंबरों पर बिठा दिए जाएं। एक ये रास्ता भी है। तो इन तीनों में से कौन सा इंतखाब करना है हम लोगों को खुद सोच लेना चाहिए।
लेकिन इम्तिहान होगा। और जैसे मैंने कहा कि एक तरफ दुनिया में अल्लाह को नाराज़ करने वाली ज़िंदगी और उसकी दावत और उसका कल्चर और उसकी तरफ बुलाने की मूवमेंट और तहरीक है और ये रहेगी, और दूसरी तरफ एक माहौल है जो अल्लाह वालों का माहौल है, जो दीन का माहौल है, एक दीन की दावत है, अल्लाह के हुक्मों पर चलने का कल्चर है। इन तुमको इस तरफ से हिजरत करके इस तरफ आना पड़ेगा। ये हिजरत हर आदमी पर फ़र्ज है। हम लोगों में से जिन लोगों को थोड़ा बहुत दीन की मालूमात है वो तो उसी हिजरत को जानते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दीन पर अमल करना मुमकिन नहीं था। तो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया अपने रसूल पर और उन पर ईमान लाने वालों पर कि मक्का छोड़ दो, अपना वतन छोड़ दो, अपने रिश्तेदार छोड़ दो, अपनी तिजारत छोड़ दो, अपने वहाँ जो तुम्हारी ज़मीनें हैं वो छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो और हिजरत करके मदीने में वहाँ चले जाओ जहाँ अल्लाह के दीन पर अमल करने का माहौल है। ये एक हिजरत थी, ये फ़र्ज़ करार दी गई। और जिन लोगों ने फ़र्ज़ होने के बाद हिजरत नहीं की, क़ुरान ने उनके ऊपर सख्त अल्लाह के गुस्से का इजहार किया। जिन लोगों ने फ़र्ज़ होने के बाद हिजरत नहीं की, मक्के से मदीने नहीं गए, क़ुरान ने सख्त गुस्से का इजहार किया। फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुमको मालूम है कि वो लोग जो अभी भी मक्के में पड़े हुए हैं और हिजरत नहीं कर रहे, हालांकि हिजरत करके अपना वो शहर छोड़कर दूसरे माहौल में अगर वो आ जाएं तो अल्लाह के दीन पर अमल करने की उन्हें आज़ादियां नसीब हों, रसूल के साथ रहें, दीन के माहौल में रहें, दीन की तक का इल्म हासिल करें, कुरान और हदीस की बातें सुने, वो हिजरत नहीं कर रहे, जब उनकी वहीं अपने उसी पुराने हाल में और मक्के में मौत आती है तो अल्लाह के अज़ाब के फरिश्ते उनकी रूह निकालने के लिए आते हैं और उनसे कहते हैं तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो, तुम इस गुनाहों के माहौल में क्यों पड़े हुए हो। तो वो कहते हैं कि हम तो इस दुनिया में कमज़ोर हैं, इस वक्त तो कुफ्र की हुकूमत है, ताकत कुफ्र की है और गुनाह वालों के हाथ में पूरी ताकत है, हम क्या करें, अमल नहीं कर पाते। तो वो फरिश्ते कहेंगे झूठ बोलते हो, तुम्हारे लिए इस माहौल को छोड़कर दूसरी जगह जाने का रास्ता मौजूद था और तुम नहीं गए। قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها। कोई हाफिज साहब बताएं इसके आगे क्या, فاولئك وساءت مصيرا فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا। इनका अंजाम जहन्नम है और वो बदतरीन ठिकाना है। एक हिजरत तो ये हम जानते हैं मक्के से मदीने वाली, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक और हिजरत भी बताई है और वो हिजरत हम सब पर फ़र्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हिजरत भी बताई है और वो हिजरत हम सब पर फ़र्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुहाजिरु मन हजर मा नहल्लाहु अन, असल हिजरत करने वाला वो है जो गुनाहों को छोड़ दे, गुनाहों से हिजरत करे। इस दौर में ख़ास तौर पर मैंने हिजरत का मज़मून बहुत सोच कर इस वक्त छेड़ा है। अभी मुझसे पहले मौलाना शाहिद साहब ने तमहीद यही बयान की कि आजकल के हालात क्या हैं, माहौल क्या है, गुनाहों का बहुत ज़बरदस्त माहौल है, हर तरफ गुनाहों का सैलाब आया हुआ है। इस वक्त गुनाहों की दावत बहुत ताकतवर है, हर घर में, हर ड्राइंग रूम में गुनाहों की दावत घुसी हुई है और हर आदमी एक्सपोज्ड है, हर आदमी वल्नरेबल है, हर आदमी शिकार है इस वक्त। और माहौल अल्लाह की पनाह एक ऐसा माहौल है जिसमें पूरा एजुकेशनल सिस्टम अल्लाह की बगावत पर और अल्लाह को नाराज़ करने वाली ज़िंदगी सिखाने वाला है, पूरी दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम अल्लाह से बगावत पर आमादा करने वाला है, अल्लाह को नाराज़ करने वाली ज़िंदगी सिखाने वाला है,
सारी दुनिया का माहौल, सारा मीडिया, हर तरफ से हम लोग एक यलगार का सामना कर रहे हैं। शैतान और शैतानी दावत की यलगार है। इस वक्त भी एक हिजरत फर्ज है, इस वक्त भी एक हिजरत फर्ज है, और जो लोग वो हिजरत नहीं करेंगे, इस वक्त जो हिजरत फर्ज है, जो लोग ये हिजरत नहीं करेंगे, उनके लिए वही वईद और कुरान की वही धमकी है जो आयत अभी मैंने पढ़ी, इन्नल्लज़ीना तवफ्फाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसहिम क़ालू फ़ीमा कुंतुम। जो लोग हिजरत नहीं करते और गुनाहों के हाल में मरते हैं, जब फरिश्ते उनको उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो वो फरिश्ते उनकी पिटाई करते हैं। दूसरी आयत में है, وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ। उनके चेहरों पर मारते हैं, उनके पीछे कूल्हों पर मारते हैं, पिटाई करते हैं और रूह कब्ज़ करते हैं। और इस आयत की तशरीह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तफसील बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसे लोगों की रूह कब्ज़ होती है जिन्होंने अल्लाह को नाराज़ किया होता है, जो दुनिया से अल्लाह को नाराज़ करके जा रहे होते हैं, तो उनकी रूह निकालने के लिए अज़ाब के फरिश्ते आते हैं, और वो अज़ाब के फरिश्ते बहुत डरावनी सूरत वाले होते हैं, बड़ी हैबतनाक और खौफनाक सूरत होती है, और इतनी तादाद में होते हैं कि जहाँ तक उसकी निगाह जाती है मरने वाले की, वहाँ तक वही अज़ाब के फरिश्ते होते हैं, और उनमें से कुछ आते हैं और आकर पिटाई शुरू करते हैं और कहते हैं लाओ रूह निकालो, और बड़ी मुश्किल से रूह निकालते हैं, और रूह निकालने से पहले दिखा देते हैं कि देखो जहन्नम में तुम्हारा ठिकाना ये है, उसको जहन्नम में अपना ठिकाना दिखा दिया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत में बयान की हुई हकीकत में ये मज़ीद इजाफ़ा फरमाया, और फरमाया इसके बरखिलाफ़ जो अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ऐसे ही खुश नसीब बंदों में हम सब को शामिल फरमाए, जो अल्लाह के बंदे इस दुनिया से अल्लाह को राज़ी करके जाते हैं, अल्लाह मियाँ को राज़ी करके जाते हैं, अपने गुनाहों को माफ़ करवा लेते हैं, इम्तिहान में साबित कर देते हैं कि चाहे गलतियां होती हों लेकिन हैं वो पास होने की कोशिश करने वाले, गुनाह होते हैं तो इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, और अल्लाह मियाँ तो माफ़ करने के लिए तैयार बैठे हैं। जो लोग अल्लाह मियाँ को राज़ी कर चुके होते हैं उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए रहमत के फरिश्ते आते हैं, नहायत खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले, और इतनी तादाद में आते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वो रहमत के फरिश्ते ही उसको नज़र आते हैं, और उनका सरदार आगे आता है और सरहाने आकर बैठता है और आकर कहता है अल्लाह मियाँ ने तुमको सलाम कहलाया है। इसी दुनिया में अल्लाह मियाँ ने तुमको सलाम कहलाया है। मैं सोचा करता हूँ कि उस फरिश्ते के रूह कब्ज़ करने से पहले ये सुनकर कि अल्लाह मियाँ ने तुमको सलाम कहलाया है, मारे खुशी के जान निकल जानी चाहिए। अल्लाह मियाँ ने सलाम कहलाया है, और उसके बाद उसको दिखाया जाता है यह है तुम्हारी जन्नत देख लो, तो वो मरने से पहले जन्नत देख लेता है, और उसके बाद उसकी रूह बड़ी सहूलत के साथ निकाली जाती है, और वो फरिश्ते उसकी रूह को लेकर जाते हैं, और जब पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है, जैसे पहले से मेहमान के इस्तकबाल के लिए गेट खोल दिए गए हों, और दोनों तरफ रहमत के फरिश्ते खड़े होते हैं, पूछते हैं कौन आया है, ये बताते हैं फ़लाँ अल्लाह का बंदा आया है, तो वो इस्तकबाल करने वाले पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं आ जाओ आ जाओ, हमें तुम्हारे इस्तकबाल करने का हुक्म दिया गया था और हम तो तुम्हारे इंतज़ार में थे, आ जाओ तुम बहुत इज्जत की जगह आए हो। हर आसमान पर ऐसा ही इस्तकबाल होता है, यहाँ तक कि वो रूह अल्लाह सुबहानहू व तआला के पास हाजिर कर दी जाती है।
इस ज़माने में जो हिजरत फ़र्ज़ है वो ये है कि इस वक्त हमें वतन तो नहीं छोड़ना, लेकिन एक ख़ास माहौल, जिस माहौल से जुड़कर अल्लाह के हुक्मों पर चलना आसान हो जाए, जहाँ मुमकिन हो। जिस तरीके से मदीने में अल्लाह के हुक्मों पर चलना और दीन पर चलना मुमकिन था, मक्के में मुमकिन नहीं था, इसी तरीके से इस वक्त भी दो तरह के कल्चर हैं, दो तरह के माहौल हैं, दो तरह के हलके हैं, दो तरह के सर्किल्स हैं। एक ऐसा सर्किल भी आप इख्तियार कर सकते हैं, आप ऐसे माहौल, अपने घर का ऐसा माहौल भी बना सकते हैं, आप ऐसे लोगों से अपना ताल्लुक भी रख सकते हैं जिनके साथ रहकर दीन पर चलना बहुत मुश्किल हो जाए, और आप ऐसा माहौल भी इख्तियार कर सकते हैं जहां रहकर दीन पर चलना आसान हो, हुक्मों पर चलने का शौक़ पैदा हो जाए और सारे दीन पर चलने में मज़ा आने लगे, अपने आप सारे अहकाम हमारी ज़िंदगी में आ जाएं। ये वाली हिजरत, इस कल्चर को छोड़कर इस कल्चर को इख्तियार करना, इस माहौल को छोड़ना, इस माहौल को इख्तियार करना, ये हिजरत फ़र्ज़ है। लोग समझते हैं कि हमारा दोस्त कौन हो, हम किन के साथ रहें, ये कोई मामला बहुत आसान है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्मर्उ अला दीनि खलीलिह फलयंज़ुर मन युखालिलुह। आदमी अपने दोस्तों के दीन पर होता है, ये बस ये देख लो कि किसका सर्किल कैसा है। कभी ऐसा भी कहीं हुआ है कि कश्मीर से सेब का बीज लाएं और राजस्थान में उगा दें? सेब का बीज तो उसी एटमॉस्फेयर में पैदा होगा, पौधा उगेगा और फल आएगा जिस एटमॉस्फेयर में सेब का बीज उगता है। कोई चाहे कि कश्मीर से सेब का बीज ले आए और कानपुर में पैदा कर ले तो कानपुर में सेब पैदा नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से दीन का बीज तो दीन के माहौल में पैदा होगा, वो किसी और जगह उस पर फल नहीं आएगा। यह हिजरत फर्ज है, यह हिजरत फर्ज है। हर आदमी को अपने लिए यह सोचना चाहिए, हम में से हर एक को जरूरत है कि क्या करें हम कि अल्लाह के गुनाह होना छूट जाए, क्या करें कि हुक्मों पर चलने वाले बन जाए। हाल यह है हमारा कि जिन हुक्मों पर चलने की आदत है वो तो चलते हैं, लेकिन जो हुक्म टूट रहा है वो टूट रहा है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोगों के दिलों में शैतान ने गुनाह को आसान बना दिया है, बहुत से लोगों के दिल में शैतान ने गुनाह को हल्का बना दिया है, और ये बहुत ख़तरनाक अलामत है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाहु अन्हु का कौल है, कहा करते थे, मुनाफिक गुनाह करता है और उसके लिए ऐसे होता है जैसे उसने यूं करके मक्खी उड़ा दी, बस उसको तो मक्खी समझता है, और मोमिन गुनाह करता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर के ऊपर पहाड़ रख दिया। तो ऐसा ना हो कि हम गुनाह कर रहे हों और हमें अपने गुनाह हल्के लग रहे हैं। जो नमाज़ पढ़ता है वो समझता है हम तो दीनदार हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं। अरे भाई, गीबत से बचे या नहीं बचे, गीबत छूटी या नहीं छूटी, तकब्बुर से दिल पाक हुआ या नहीं हुआ, आंखों के गुनाह छूटे या नहीं छूटे, दिल में नापाक ख्यालात को पालना, ये गुनाह छूटा या नहीं छूटा। खाली नमाज पढ़ लिया और उसको खुश हो गया और बाकी ये जहर मौजूद हैं। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं है, जिससे लड़ाई हो गई तो अब बस गुस्सा बेकाबू है। गुस्से को कोई मामूली खतरनाक चीज समझा है? गुस्सा जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। ज़बान के गुनाह किसी से नहीं छूट रहे। तो भाई, मसला यह है कि जो थोड़ा बहुत दीन पर अमल
नसीब है, उसके अलावा जो छूट रहा है वो कैसे आए हमारी ज़िंदगी में। और सूरत ये है कि बहुत मुश्किल होता है, जो गुनाह आदमी करता रहता है फिर उस गुनाह को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जिसको गीबत की आदत पड़ी हुई है बड़ी मुश्किल से उसको गीबत से बच पाएगा वो। जिसके मुंह को खुदा ना खास्ता शराब लग गई, आसान है शराब छूटना। अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे। जो गुनाह जो करने लगता है वो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हमको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने गुनाहों को छोड़ने और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को गलतियों के रास्ते से हटाकर सही हक की पटरी पर लाने का क्या तरीक़ा सिखाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े से हमको दीन दिया था कि ये हुक्म है, ये हुक्म है, ये हुक्म है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ऐसा करो ऐसा ना करो, उसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया भी सिखाया है। गुनाह कैसे छूटेंगे, दिल की सफाई कैसे होगी, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल था और ये भी हुजूर की छोड़ी हुई एक मीरास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह के रसूल दुनिया में जिस तरीके से शरीयत पहुंचाता है, अल्लाह की किताब पहुंचाई, हदीस पहुंचाई, शरीयत पहुंचाई, उसी तरीके से उसका एक फ़र्ज़ मनसबी और उसका एक फरीज़ा ये होता है कि वो अपनी उम्मत का तज़किया करे। और वो अपनी एक सुन्नत छोड़ कर जाता है कि किस तरीके से लोग पाक साफ होते हैं, कैसे गुनाह छूटेंगे, कैसे अल्लाह के हुक्मों पर चलना लोगों के लिए आसान होगा, वो तरीक़ा क्या है। असल मसला जो हम लोगों का परेशान कुन है, जिसकी वजह से बावजूद ख्वाहिश के कि गुनाह छूट जाए, गुनाह नहीं छूटते। जी हम सबका चाहता है कि हमारी ज़िंदगी पूरी अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाली बन जाए, जी सबका चाहता है, लेकिन गाड़ी पटरी पर नहीं आ रही। क्यों भाई, है यही मसला कि नहीं है? 25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, 30 साल से उसको ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह को राज़ी करने वाला बन जाऊँ, मेरे गुनाह छूट जाएँ, अल्लाह के हुक्मों पर पूरा पूरा अमल करना आ जाए। किसी की इस तमन्ना की उम्र 30 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 50 साल है, मगर तमन्ना तमन्ना ही है, रास्ता तय नहीं हो रहा। वजह यह है कि तरीक़े के मुताबिक काम नहीं हो रहा। तरीक़ा क्या है? अल्लाह सुबहानहु व तआला ने क़ुरान में इसको खूब बयान फरमाया। क़ुरान में अल्लाह ने जो बयान किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें मालूम हुआ, उसका हासिल ये है कि अल्लाह का ये दीन और अल्लाह के क़ुर्ब का ये रास्ता, ये बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, और अल्लाह ने इसको सस्ता नहीं रखा है। इसका अल्लाह के इसकी अल्लाह के यहाँ बड़ी इज्जत है। अल्लाह ताला ये चीज़ क़ुर्ब के इस रास्ते पर चलने को अल्लाह सुबहानहु व ताला उसी को इसकी तौफीक अता फरमाते हैं जो अल्लाह के सामने बहुत प्यास का, बहुत तलब का, बहुत मोहताजी का इजहार करता है। भाई इसको अच्छी तरह सुन लीजिए, ये कीमती चीज, ये अल्लाह के दरबार की कीमती चीज है। ये अल्लाह ताला उसी को अता फरमाते हैं जिसके अंदर खूब तलब होती है। अल्लाह अपने करीब उसी को करते हैं, उसी को आने देते हैं जिसके अंदर खूब तलब होती है। जब देखते हैं हाँ ये मचल रहा है, इसके अंदर तलब है, ये मुझे याद करता है, अल्लाह ताला फिर उसके लिए आसान फरमा देते हैं, फिर तौफीक देते हैं। अजीब अजीब ऐसे साफ लफ्ज़ों में कुरान ने कहा है कि उसके बाद भी न समझना, इसको सिवाय इसके कुछ ही नहीं कहा जा सकता कि हमने कुरान की बात ही न मानने का फ़ैसला कर लिया है। फरमाया कुरान में अल्लाह ताला ने, वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, नसीहत हासिल करने की तौफीक सिर्फ उसी को मिलती है जो अल्लाह से लौ लगाता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह से दुआ मांगता है,
जो मुसलसल लौ लगाने वाला बन जाता है, जैसे फ़कीर, जैसे फ़कीर किसी बादशाह के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, लौ दुहाई दे रहा है, मांगे जा रहा है, मोहताजी का इजहार कर रहा है, जो जो जिसका हाल ये होता है तलब का, ए अल्लाह मियाँ मुझे हिदायत दे दीजिए, मुसलसल अल्लाह को याद करने का जिसका हाल हो जाता है, उसी को सिर्फ अल्लाह ताला नसीहत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाते हैं। ऐसे ही और इससे साफ लफ्ज़ों में फरमाया, ये बात समझने की है, कुरान बहुत साफ तौर पर कहता है कि अल्लाह के दीन पर ठीक ठीक चलने की तौफीक और पूरे की पूरी हिदायत, इसका ताल्लुक ज़िक्र से बहुत ताकतवर है। ज़िक्र ही से हिदायत मिलती है। एक आम किस्म की हिदायत, जैसे हम सब मुसलमान हैं, कुछ थोड़े बहुत रोज़े नमाज पर अमल हो जाता है, लेकिन गुनाह नहीं छूट रहे, इस्लाह नहीं हो रही, अच्छी नमाज नसीब नहीं हो पा रही, जिसे कहें इस्तेकामत नसीब नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रहा, इस दर्जे तक पहुंचाने वाली चीज़ ज़िक्र है। ज़िक्र है जिसके ज़रिए फिर दीन पर, जो मैंने कहा था कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि दीन ऐसे जैसे बहुत बड़ा बोझ है, और बाज़ लोगों के लिए अल्लाह ताला आसान फरमा देता है, उनको मज़ा आता है, बड़ी सहूलत के साथ, बड़ी सहूलत से सारे गुनाह छूट जाते हैं। ये तौफीक, ये सहूलत, ये मदद अल्लाह की किन के साथ होती है? कुरान में बार बार अल्लाह ने कहा इस ये चीज़ अल्लाह के ज़िक्र से हासिल होती है, दुआ से हासिल होती है, अल्लाह से लौ लगाने से हासिल होती है। बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में फरमाया, इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा व यहदी इलैहि मन अनाब। अल्लाह सुबहानहु व तआला जिसको चाहते हैं उसको गुमराह कर देते हैं, जाओ हमारे रास्ते से दूर जाओ, तुम हमारे पास आने के लायक नहीं, और सिर्फ उसी को अपने पास तक का रास्ता दिखाते हैं, या यूं कहिए लेकर चले आते हैं अपने पास, जो लफ्ज़ है अरबी समझने वाले समझेंगे, यानी फरमाया वयहदी मन अनाब, वयहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह ताला अपने पास तक चला लाते हैं, अपने पास अपना क़ुर्ब अता फरमा देते हैं, अपने करीब बुला लेते हैं, अपने तक आने का की तौफीक अता फरमाते हैं, किसको? जो अल्लाह से लौ लगाने वाला, ज़िक्र करने वाला, दुआ मांगने वाला होता है। यहाँ भी फरमाया कि देखो हिदायत, कामिल हिदायत जो मिलेगी, गुनाह जो छूटेंगे, शरीयत पर अमल करना जो आसान होगा, नमाज में जो रंग आएगा, नमाज़ें पढ़ना आसान हो जाएगा, आँखों की हिफाजत आसान होगी, फजूल खर्ची से बचना आसान होगा, पूरी ज़िंदगी सुन्नत के रंग में रंग जाएगी, ये कब होगा? जब ज़िक्र करोगे। और एक जगह और फरमाया, और इससे ज़्यादा साफ लफ्ज़ों में फरमाया, अल्लाह नज़ल अहसन अल-हदीथ किताबम, अल्लाह नज़ल अहसन अल-हदीथ किताबम मुतशाबिहम मथानी तख़्शअरु मिन्हु जुलूदु अल्लज़ीना यख़्शौना रब्बहुम थुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाह। अल्लाह की हिदायत ज़िक्र से मिलती है, थुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा। और एक और जगह फरमाया, फवैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, जो लोग जिक्र नहीं करते दिल सख्त हो जाते हैं। अब जब दिल सख्त हो गया तो नसीहत का असर नहीं हुआ, अल्लाह के हुक्म की वक़ात नहीं रही, दिल में अल्लाह की मोहब्बत सख्त दिल में तो नहीं आएगी। फवैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, इसलिए ये रास्ता जो है कि हमारे लिए दीन पर अमल करना आसान हो जाए, और हमें बग़ैर किसी परेशानी के जो अमल, जो हुक्म छूट रहे हैं वो भी आ जाएं, उसका फितरी रास्ता यही है, और सिर्फ यही है कि हम अपने आप को नेक माहौल से जोड़ें, नेक माहौल से जोड़ें।
हम रहें गिलाजत के समंदर में और ये तमन्ना रखें कि कपड़े बहुत साफ रहें तो नहीं हो पाएगा। हम सबसे पहली बात ये, हमारे लिए दीन की ग़िज़ा मिलने वाला कोई माहौल होना चाहिए। और मैं इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बता सकता, हर एक को अपनी ग़िज़ा कहाँ मिलेगी खुद ढूंढिए, खुद ढूंढिए आपको कहाँ सही दीन की ग़िज़ा मिलेगी, जहाँ हर वो जगह आपके दिल की पाकी और सफाई और आपके दीन की तरबियत की जगह है, जहाँ बैठकर आखिरत याद आती है, जहाँ बैठकर अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। अपना माहौल बदलिए, ख़ास तौर पर अल्लाह का कोई सालिह बंदा, कोई तकवे वाला आलिम कहीं नसीहत करता हो तो उसमें ज़रूर जाइए, और किसी अल्लाह के नेक बंदे से ज़ाती ताल्लुक़ कायम कीजिए। खाली बयान ना सुनिए बल्कि ज़ाती ताल्लुक़। अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर में अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, नेक उलमा मौजूद हैं, ज़ाती ताल्लुक़ कभी मिलने के लिए चले गए। और एक बात अच्छी तरह हमको जान लेनी चाहिए, नफ़ा का दारो मदार इस पर है कि दिल में दीन की अज़मत और दीन वालों की कितनी अज़मत है। दोनों की, दीन की अज़मत भी होनी चाहिए और अल्लाह के नेक लोगों बंदों की भी अज़मत, अहलुल्लाह की दिल में अज़मत होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, उसी से सब पूरी बात समझ में आ जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमाइए। अल्लाह की मोहब्बत की दुआ मांगी, दूसरी चीज़ मांगी, और ए अल्लाह, वो अल्लाह के नेक बंदे जो आपसे मोहब्बत करते हैं मेरे दिल में उनकी भी मोहब्बत पैदा फरमा दी। यानी अल्लाह की मोहब्बत भी मांगी और अल्लाह वालों की मोहब्बत भी मांगी, फिर तीसरी चीज़ मांगी और नेक आमाल की मोहब्बत अता फरमाइए। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह वालों की मोहब्बत और नेक आमाल की मोहब्बत। मैं इस दुआ में गौर करता हूँ, मुझे बहुत बहुत सबक हासिल होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक आमाल की मोहब्बत बाद में मांगी और अल्लाह वालों की मोहब्बत पहले मांगी। और वाकया यही है, अल्लाह वालों की जितनी अज़मत दिल में होगी, जितना एहतराम होगा, जितनी मोहब्बत होगी, उतना ज़्यादा उनसे नफ़ा पहुँचेगा। फिर किसी अल्लाह वाले से अपना दीनी कंसल्टेंसी का रिश्ता होना चाहिए, मशवरे का। जिस तरीके से हमारा अपने जिस्म की सेहत के लिए डॉक्टर से रिश्ता होता, ये बीमारी है डॉक्टर साहब क्या करें, वो दवा बताएंगे, क्या खाएं डॉक्टर्स बताते हैं तुम्हारे लिए अच्छी ग़िज़ा क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से हर आदमी को ज़रूरत है इस बात की। हर आदमी को, कोई अपने आप को ये ना समझे कि मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हो सकता है कि जिस्मानी बीमारियां हमको न हों, हम में से बहुत से लोग सेहतमंद हैं, उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, लेकिन दीनी बीमारी तो हम में से हर एक को है। हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको दीनी बीमारियां न हों, जिसको रूहानी बीमारियां न हों। तो किसी अच्छे अल्लाह वाले से जिसको इलाज मुआलजे का तजुर्बा हो, कोई अल्लाह वालों में से कोई हो, उससे जाकर मशवरा लें, या किसी आलिम से पूछें, हम किसी अल्लाह किस अल्लाह वाले से राबता करें, किससे जाके मशवरा लें, उससे बताएं मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। अगर वो हिकमत वाला अल्लाह वाला होगा तो बहुत सहल से नुस्खे बताएगा, ऐसे करो ऐसे करो, और वो रास्ता बताएगा जिससे इंशाअल्लाह दीन पर चलना आसान हो जाएगा। जो बात मैंने इस वक्त अभी ज़िक्र की, फिर से एक मरतबा याद दिलाऊँ, अल्लाह का ज़िक्र जो करना, अल्लाह का ज़िक्र, इसका ख़ास ताल्लुक़ है इस बात से कि दीन पर अमल करना आसान होता है। इसलिए इसी मजलिस में मैं इसका इंतज़ार नहीं करता कि आप में से कोई पूछे तो मैं बताऊं, मैं इसी मजलिस में मुख्तसर सा मशवरा देता हूं अपने हर भाई को कि थोड़ा सा ज़िक्र शुरू कर दीजिए।
एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, बड़े बुज़ुर्ग और बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। आप में से जिन लोगों को दीन की कुछ वाकफियत होगी उन्होंने ज़रूर नाम सुना होगा। मेरा अंदाज़ा ये है कि कई सौ साल में हिंदुस्तान में इतना बड़ा आलिम नहीं पैदा हुआ, और उनके ज़रिए अल्लाह ने जितना बड़ा काम लिया लोगों की इस्लाह और तरबियत का, ऐसा भी काम भी बहुत कम लोगों से लिया जाता है। वो अल्लाह, ऐसे लोग अल्लाह के मुंतखब बंदे होते हैं, ये आम इंसान नहीं होते, ये अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं। इनको अल्लाह ताला चुन लेता है अपने काम के लिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों में ऐसे चुने हुए बंदे होते हैं जिन पर अल्लाह ताला इल्हाम फरमाता है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों में ऐसे चुने हुए बंदे होते हैं जिनको अल्लाह ताला चुन लेता है, फिर उनके दिल में नेक सही बातों का अल्लाह ताला इल्हाम फरमाता है। हदीस है, लक़द कान फ़ी मन क़ब्लकुम उनासुम मुहद्दसून, ये मुहद्दस लोग जिनसे अल्लाह गुफ्तगू करता है, बात उनके दिल में डालता है, उनकी बातें वही तो नहीं होती, गलत भी हो सकती हैं, इंसान होते हैं वो, लेकिन उमूमन उनकी बातें, वो दीन के सिलसिले में जो बातें फरमाते हैं वो अल्लाह की तरफ से बात डाली हुई बातें होती हैं। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने चुन लिया था इस्लाह और तरबियत के लिए और लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। हज़रत ने फरमाया करते थे, मैं तुमको कोई लंबे चौड़े वजीफ़े नहीं बताता, न ये कहता हूँ कि कारोबार छोड़ दो, न ये कहता हूँ बीवी बच्चे छोड़ दो, न ये कहता हूँ रात रात भर जाग के नमाज़ें पढ़ो, न ये कहता हूँ कि दिन दिन भर रोज़े रखो, मैं ये सब कुछ नहीं कहता, मगर बस मैं तुमसे ये कहता हूँ कि दो काम कर लो, मैं गारंटी लेता हूँ कि तुमको वसूल इल्लाह यानी अल्लाह तक पहुँचना नसीब हो जाएगा। दो छोटे से काम कर लो, पहली बात तो ये कि सब गुनाहों को छोड़ दो। भाई गुनाहों के साथ यानी अल्लाह मियाँ का हुक्म तोड़ के अल्लाह मियाँ के करीब कैसे जा पाएंगे, तो पहली बात तो ये कि सब गुनाहों को छोड़ दो, और दूसरी बात ये कि थोड़ा बहुत अल्लाह अल्लाह करने की आदत डाले यानी जिक्र करने की। ये दो काम कर लो, मैं गारंटी लेता हूँ तुम अल्लाह वाले बन जाओगे, तुम वली बन जाओगे। बस दो ही काम है सिर्फ, गुनाह छूट जाए और अल्लाह अल्लाह करने की आदत पड़ जाए। और मैं ये कहता हूँ इसी बात में अगली बात जोड़कर कि सारे गुनाह एक मिनट में तो नहीं छूट जाएंगे। जिस दिल को 40 साल गंदा किया है वो 40 सेकंड में तो पाक नहीं हो जाएगा। जिसको गुनाह कर करके 40 साल गंदा किया है वो 40 सेकंड में तो पाक नहीं हो जाएगा। हाँ, बाज़ लोग अल्लाह के बंदे होते हैं, ऐसी अल्लाह ताला तौबा अता फरमा देता है, किसी अल्लाह वाले की दुआ लग जाती है, कभी किसी अल्लाह वाले की निगाह का असर हो जाता है, मिनटों में काया पलट भी हो जाती है, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं हुआ करता, ये इक्का दुक्का होता है। आम तौर पर तो यही होता है कि भाई 40 साल गंदा किया है तब कुछ दिन मेहनत करोगे, बार कुछ धब्बे छूट जाएंगे, फिर कुछ और छूट जाएंगे, फिर कुछ और छूट जाएंगे, मेहनत करते रहो, साफ़ करते रहो, ठोकर लग जाएगी, फिर गिर जाओगे, फिर उठ जाओ, धीरे 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 चलना आ जाएगा और ठोकर लगना बंद हो जाएगी। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि सब गुनाह छोड़ने का हम इरादा कर लें, और अगर फिर गुनाह हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें। ये ज़रूर तय कर लें कि गुनाह को हम बेतौबा अब नहीं छोड़ेंगे। ये तो आसान है भाई, ये गारंटी लेना कि अब हमसे गुनाह नहीं होगा ये तो मुश्किल है, लेकिन ये तो आसान है कि अगर हो जाएगा तो हम उसी सेकंड तौबा कर लेंगे। और अल्लाह सुबहानहु व तआला इतने रहीम हैं कि ऐसे लोगों के लिए भी मायूसी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल मायूसी नहीं है। قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ओ मेरे बंदो, उन्होंने बहुत गुनाह किए,
अल्लाह मियाँ कैसी रहमत के भरे लहजे में पुकार रहे हैं, उन लोगों को पुकार रहे हैं जिन्होंने बहुत गुनाह कर करके अपना कबाड़ा कर लिया। अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने गुनाह कर करके अपने ऊपर बहुत जुल्म ढाया है, इतने परले दर्जे के गुनाहगारों को पुकार रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं ओ मेरे बंदो, ओ मेरे बंदो, हो तुम मेरे ही बंदो, तुम गुनाह बहुत किए और तुम ये समझते हो गुनाह करके तुम दूर चले गए, लेकिन मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा है, तुम हो मेरे ही बंदे। ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, अपने अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, अल्लाह मियाँ सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, वो बहुत माफ़ करने वाले और बड़ी रहमत वाले हैं, कहाँ तुम मायूस हो रहे हो, तुम तो बस माफ़ी मांगो और इधर माफ़ हुआ। यहाँ तक के अल्लाह सुबहानहु व तआला ये फरमाते हैं कि जो लोग गुनाह करके फौरन तौबा कर लेते हैं, उनके गुनाहों के बावजूद हम उनको तकवे वाला शुमार करते हैं। हो तुम तकवे वाले, गुनाह कर रहे हो लेकिन तौबा कर लेते हो तो तुम मुत्तकियों में शुमार होगे। तो बस अगर गुनाह हो जाए तो हम तौबा कर लेंगे, बेतौबा नहीं छोड़ेंगे। अभी तक अगर हम में से बाज़ लोगों का हाल ये था, और अफसोस के चूँकि हमको सही दीनी मजलिसें नहीं मिलती, इसलिए ये बात हम समझ नहीं पाए। अभी बहुत से हमारे भाइयों का ये हाल है कि वो गुनाह करते हैं और तौबा से निचिंत रहते हैं। मेरे भाइयों, ये हालत बड़ी ख़तरनाक है, गुनाह करके तौबा न करना, ये हालत बहुत ख़तरनाक है। गुनाह करके परेशान न होना, गुनाह करके शर्मिंदा न होना, ये मामला बहुत ख़तरनाक है, इसलिए कि फिर अल्लाह ताला नाराज़ होकर दिल पर मोहर लगा सकते हैं, और जिसके दिल पर मोहर लग गई उसको क़यामत तक तौबा नसीब नहीं होगी, फिर इसी हाल में मर जाएगा। अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि पाँव कब्र में उतर गए, पाँव कब्र में लटके हुए हैं, बूढ़े हो चुके हैं, मगर दिन रात फिल्में देख रहे हैं। उम्र की उस मंजिल पर जाकर भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक नहीं मिल रही, इसलिए इससे डरना चाहिए कि हमारे गुनाह पड़े पड़े ऐसे सड़ जाएं कि अल्लाह मियाँ कहें अब तुम हमारे दरबार के लायक नहीं रहे। बस गुनाह हो तो फौरन तौबा कर ले। उम्मीद तो यह है कि हम में से कोई भी एक भी ऐसा नहीं होगा जिसकी नमाज कज़ा होती हो। नमाज तो सबसे बुनियादी चीज़ है, पांचों वक्त की नमाज अपने वक्त पर पढ़नी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हम सब बिला इस्तिस्ना, हम में से हर आदमी थोड़ा सा वक्त 24 घंटे में चंद मिनटों का वक्त ऐसा बना ले जिसमें हम अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर उसका ज़िक्र किया करें। चंद मिनट, 24 घंटे में 15-20 मिनट। और मैं आसान सा मामूल बताता हूँ, एक 24 घंटे में इतना मामूल हर आदमी कम से कम बना ले। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की। इस्तिग़फ़ार की हकीकत यह है कि बंदा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अब चाहे वो कोई सा कलमा पढ़ ले, इस्तिग़फ़ार के बहुत से अल्फाज हदीस में आते हैं जो आपको याद हों, और सबसे मुख्तसर कलमा इस्तिग़फ़ार का है अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब होता है मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन हो यकसुई के साथ, बस बैठ जाए आदमी ऐसे कि मैं हूँ और मेरा अल्लाह है, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 100 मरतबा। ये पढ़ें, 2-3 मिनट लगेंगे 100 मरतबा। उसके बाद 100 मरतबा तीसरा कलमा, सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बस इतना 100 मरतबा ये पढ़ लें, 7-8 मिनट लगेंगे बहुत से बहुत। 100 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 तस्बीहें हो गई, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 100 मरतबा तीसरा कलमा, 100 मरतबा दुरूद शरीफ,
और सबसे आसान और मुख्तसर दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाइए अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सलामती और बरकतें नाजिल फरमाइए। यह है दुरूद शरीफ, बड़ी बरकत का कलमा है। दुरूद शरीफ में बड़ी बरकत है, बड़ी रहमत है, अल्लाह का बहुत प्यार है। अल्लाह ताला का बड़ा प्यार होता है उन बंदों पर जो अल्लाह के महबूब रसूल के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तीन कलमे, इस्तिग़फ़ार तीसरा कलमा और दुरूद शरीफ, इसकी एक एक तस्बीह 100-100 मरतबा 24 घंटे में इसको आप पढ़ेंगे 15 मिनट में फारिग हो जाएंगे। इसका हम सब मामूल बना लें यकसुई के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए। मैं आपसे अल्लाह की रहमत की उम्मीद पर मस्जिद में बैठकर अल्लाह से उम्मीद करके कहता हूँ एक हफ्ते के अंदर आपको अपने दिल में इसका नूर महसूस होगा। आप पाबंदी तो कीजिए, लोगों को मालूम नहीं जिक्र की ताकत, जिक्र की तासीर का तजुर्बा तो करके देखिए। ये वो दवा है जो कभी बेअसर नहीं रहती। क्या अल्लाह की चीज़ बेअसर रह सकती है? क्या अल्लाह का नाम बेअसर रहेगा? अल्लाह का नाम तो असर करता ही है। यहाँ तक के मशायख ने अजीब बात फरमाई है, हम सब के शेखुल मशायख और अपने ज़माने के सबसे बड़े अल्लाह वालों में से एक, बल्कि शायद सबसे बड़े अल्लाह वाले हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, आखिर उम्र में नाबीना हो गए। जिक्र फरमा रहे थे, जिक्र करते 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 अचानक आवाज़ दी, नाबीना थे, अरे भाई कोई है? तो दो खादिम लपके, ये दो खादिम जो लपके ये भी सब बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक हज़रत मौलाना यहया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब के वालिद थे, हज़रत शेखुल हदीस जिनकी किताब फ़ज़ाइल आमाल पढ़ी जाती है, इनके वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद यहया साहब एक ये खादिम थे हज़रत गंगोही के। और दूसरे खादिम जो लपके वो कोई और नहीं, वो हज़रत जी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों खादिम थे, दोनों लपके, जी हज़रत हम दोनों हैं। हज़रत गंगोही ने उस वक्त पता नहीं क्या हाल था, अल्लाह की तरफ से क्या बात दिल में आई थी, फरमाया अल्लाह सुबहानहु व तआला का नाम तो ऐसा है कि कोई कितनी बेतवज्जोही से ही क्यों न ले, असर किए बग़ैर नहीं रहता। अल्लाह सुबहानहु व तआला का नाम तो ऐसा है कि कोई कितनी ही गफलत से क्यों ना ले, असर किए बग़ैर नहीं रहता। लेके तो कोई देखे। तो ज़िक्र से रास्ता आसान होता है, ज़िक्र से दिल में नूर आता है, ज़िक्र से दिल में अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल होती है, ज़िक्र से अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल होती हैं, ज़िक्र से अल्लाह सुबहानहु व तआला की ख़ास तवज्जो और इनायत होती है, फिर अल्लाह अपनी तरफ ख़ुद खींचते हैं। फिर तुम जाओगे भी दूर तो अल्लाह खींच लेंगे, तुम अगर गुनाह करना भी चाहोगे तो वाकई अल्लाह का ताल्लुक अपने बाज़ बंदों से ऐसा हो जाता है कि कभी अगर किसी वजह से नफ्स के बहकावे में वो गुनाह करना भी चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनको रोक देते हैं। कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कोई मसला पेश आ जाता है, वो जिस गलत काम का इरादा करता है अल्लाह ताकत के ज़ोर से उसको करने नहीं देते। तुम मेरे महबूब हो, हम तुमको कैसे करने दें? फिर अल्लाह ताला ऐसे भी हिफाजत फरमाते हैं। तो मुख्तसर सा नुस्खा है, फिर से अर्ज़ कर दूँ, सारे गुनाहों को छोड़ने का इरादा कर लीजिए और अगर न छूटें तो मायूस ना होइएगा, अरे हमसे तो नहीं छूट रहा, ये सोच के आदमी सफ़र न छोड़ दे। किसी तरह गिरते पड़ते चलते रहिए रास्ते पर, अगर खुद नहीं पहुँच पाएंगे तो किसी वक्त अल्लाह मियाँ को रहम आ जाएगा, वो ख़ुद हाथ पकड़ के पहुँचा देंगे, उनको रहम आ जाएगा। अगर हम ख़ुद नहीं मंजिल पे पहुँच पाएंगे तो अल्लाह मियाँ पहुँचा देंगे, लेकिन चलते रहिए। और उसका रास्ता तरीक़ा यही है कि अगर गुनाह हो जाए फ़ौरन तौबा कर लीजिए। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है, बात कहने की तो नहीं मगर फ़ायदा हो सकता है, कोई गलत इससे मतलब न ले लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी आदमी से गुनाह होता है,
फिर वो बहुत तड़प के अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तड़प जाता है, मैंने अपने किस अल्लाह को नाराज़ कर दिया, मैंने कैसे महबूब का हुक्म तोड़ दिया। बहुत तड़प के फिर माफ़ी मांगता है, बहुत रोता है, तो उसकी तौबा के नतीजे में उसको वो मकाम मिल जाता है जो गुनाह करने से पहले उसका नहीं होता, तो उसको गुनाह उसके लिए तरक्की का ज़रिया बन जाता है। तो बस जब गुनाह हो जाएगा हम तौबा कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि 24 घंटे में कोई एक वक्त ऐसा हो जिसमें हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर ये तीन तस्बीहें पढ़ लिया करें। मसलन किसी को अगर फजर बाद का वक्त अच्छा लगे यकसुई का कि इस वक्त ज़्यादा इत्मीनान होता है, कोई फजर बाद पढ़ ले, किसी को ईशा बाद, जिसको जिस वक्त ज़्यादा सुकून मिले वो उस वक्त पढ़ लें, और ये तीन तस्बीह पढ़ने के बाद अच्छी तरह अल्लाह मियाँ से दुआ मांग लें। बस इन तीन तस्बीह को पढ़ने के बाद अच्छी तरह देर तक खूब लग लिपट के दुआ मांग ले, और दुआ में ख़ास तौर पर यह दुआ ज़रूर मांगे, अल्लाह मियाँ हिदायत दे दीजिए, अल्लाह मियाँ अपने रास्ते पे चला लीजिए, अल्लाह मियाँ अपना क़ुर्ब अता फरमा दीजिए, अल्लाह मियाँ आप राज़ी हो जाइए, खूब ये दुआ मांग ले। बस इंशाअल्लाह कोई ये करना शुरू करे इंशाअल्लाह तरक्की होगी, ज़रूर गुनाह मुश्किल हो जाएंगे और अल्लाह के हुक्मों पर चलना आसान हो जाएगा। और अगर कोई मशवरा लेता रहे और तरक्की करता रहे और चलता रहे तो इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएगा। बुज़ुर्गों से सुना है इस रास्ते में महरूमी नहीं है, अल्लाह वालों से सुना है इस रास्ते में महरूमी नहीं है, कोई महरूम नहीं रह सकता, चल के देखे बस। अल्लाह ताला मुझे भी नसीब फरमाए, आप हजरात को भी नसीब फरमाए। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، وترفعنا بها أعلى الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اے اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اقرار کرتے ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ میاں، ہم نے قدم قدم پر آپ کے حکم توڑے، زندگی کے ہر موڑ پہ گناہ کیے، کوئی موقع ایسا نہیں ہوا جس کو ہم نے چھوڑا ہو۔ اے اللہ، صبح بھی گناہ کیے، شام بھی گناہ کیے، سب کے سامنے بھی گناہ کیے، تنہائیوں میں بھی گناہ کیے، خوشحالی میں بھی گناہ کیے، غربت میں بھی گناہ کیے، خوشی کے موقع پر بھی گناہ کیے، غمی کے موقع پر بھی گناہ کیے۔ اللہ میاں، منہ دکھانے کے لائق نہیں بچے، ہم آپ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں، ہم آپ کے اور آپ کے رسول کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ آپ کا کرم ہے، آپ نے چھوڑا ہوا ہے، ورنہ ہم تو ایسے ہیں کہ اگر سور بنا دیے جاتے تو کچھ نہ ہوتا، کوئی ظلم نہ ہوتا، اگر بندر بنا دیے جاتے تو ظلم نہ ہوتا۔ آپ کا رحم، آپ کا کرم ہے، آپ کا کرم ہے، کرم ہے، کرم ہے۔ اللہ میاں، اتنے دن تک ہمارے گناہ چھپائے ہیں تو آخرت میں بھی چھپا لیجئے گا، دنیا میں چھپایا ہے تو وہاں بھی چھپا لیجئے گا، دنیا میں چھپایا ہے، دنیا میں چھپایا ہے تو وہاں بھی چھپا لیجئے گا۔
किसी को मत दिखाइएगा, किसी को मत। आपने बताया है बहुत से लोग उस दिन रुस्वा किए जाएंगे, जलील किए जाएंगे, उनके गुनाह खोल दिए जाएंगे, सबको पता चलेगा। अल्लाह उस दिन सत्तारी फरमाइएगा, सत्तारी फरमाइएगा, सत्तारी फरमाइएगा। गर तु बीनी हिसाबम ना गुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बिगीर। अल्लाह मियां नामे आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना दिखाइएगा, माफ फरमा दीजिएगा, माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए। अल्लाह मियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक पर उम्मत के आमाल पेश किए जाते हैं, हमारे आमाल पहुंचते होंगे तो क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी, कितनी हमने तकलीफ पहुंचाई, कितनी हमने तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह अब तौफीक दे दीजिए, अब हम तकलीफ ना पहुंचाएं, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ का जरिया ना बने। अल्लाह अब नेक अमाल की तौफीक अता फरमा दीजिए, अब तमाम गुनाहों से बचा लीजिए। अल्लाह जिक्र की पाबंदी की तौफीक अता फरमा दीजिए, जिक्र की पाबंदी की तौफीक अता फरमा दीजिए, जिक्र की बरकत अता फरमा दीजिए, इस्तिकामत नसीब फरमा दीजिए, अपने रास्ते पर चलने वाला बना दीजिए। अल्लाह अपना क़ुर्ब अता फरमा दीजिए, अपनी मईयत खासा अता फरमा दीजिए, अपनी मदद शामिल हाल फरमा दीजिए, अपनी रज़ा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह मियाँ आप राज़ी हो जाइए, प्यारे अल्लाह राज़ी हो जाइए, राज़ी हो जाइए, राज़ी हो जाइए। अल्लाह मियाँ आप खुश हो जाइए, आप अपना क़ुर्ब अता फरमा दीजिए, माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह आइंदा ऐसी ज़िंदगी अता फरमाइए जो आपको खुश करने वाली हो, जो आपके क़ुर्ब का रास्ता हो। अल्लाह तक़वा अता फरमा दीजिए, तक़वा अता फरमा दीजिए, तक़वा अता फरमा दीजिए, अपने दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमें आपने दुनिया में भेजा है, दुनिया की ज़रूरतें भी साथ में हैं, हमारी दुनिया की ज़रूरतें पूरी फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह खुशहाली अता फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह अपने रसूल की उम्मत को खुशहाली अता फरमा दीजिए, इल्म की दौलत अता फरमा दीजिए, अपने रसूल की उम्मत को तरक्कियाँ अता फरमा दीजिए, अपने रसूल की उम्मत को इज़्ज़त अता फरमा दीजिए, दुनिया का माल और दौलत और राहत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह उम्मत की बदहाली पर रहम फरमाइए, उम्मत की बीमारी जहालत और गुर्बत को दूर फरमा दीजिए, उम्मत की जहालत और गुर्बत को दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाइए, बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए, हमारे तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए, हमारे तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए, सारे परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आपके पास हलाल के भी ख़जाने हैं और हराम के भी ख़जाने हैं। ऐ अल्लाह हम फ़कीर हैं, आपसे हलाल के ख़जानों में से मांगते हैं, हलाल में से खूब अता फरमा दीजिए और हराम से महरूम फरमा दीजिए, हराम से बचा लीजिए, हराम से बचा लीजिए, हराम से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी दे दीजिए, और ऐ अल्लाह हर वो खैर अता फरमा दीजिए जो आपसे आपके रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा, और हमें हर उस शर से बचा लीजिए जिससे पनाह मांगी आपके रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाहुम्मा अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।